मुरादाबाद के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए सभी SDM को जारी हुए निर्देश। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट से आने वाले निर्णय के चलते शुरू नहीं हो सका मदरसों का सर्वे। SDM प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने दी जानकारी। सर्वे के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की पूरी तैयारी। SP देहात संदीप कुमार मीणा ने सुरक्षा के मद्देनजर दी जानकारी। मुरादाबाद में कल से शुरू हो सकता है मदरसों का सर्वे। शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं, जो भी जनपद में गैर पंजीकृत जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उन मदरसों के संबंध में सर्वे करने का, और जो पंजीकृत है हमारे जनपद मुरादाबाद में 859 मदरसे पंजीकृत हैं, ठाकुर द्वारा में 242 हैं, हमारे मुरादाबाद में 446 हैं, कांट तहसील में 69 हैं और हमारा जो बिलारी तहसील में 102 हैं। टोटल 859 हमारे मदरसे पंजीकृत हैं, उनके संबंध में हमें कोई सूचना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो पंजीकृत नहीं हैं उनके संबंध में शासन ने सर्वे मांगा है, उसका एक प्रारूप है, उसमें एक सिंपल प्रारूप है उस सर्वे में कि प्रबंधक उसका प्रिंसिपल कौन है, स्टाफ कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें कितने बच्चे आज तक हमारे अध्ययनरत हैं और उनका आय का स्रोत क्या है, और उसके संबंधित आंकड़े भी उसमें मांगे गए हैं। एक नियत प्रारूप है और एक महीने का टाइम दिया गया सर्वे करके हमें शासन को देना है। इसमें केवल ये है, केवल सूचना लेनी है, इसके अलावा और कोई कार्रवाई ना करनी है, ना ही कोई आदेश इस तरह कार्रवाई करने का है। सूचना प्राप्त करके हम शासन को भेजी जाएगी, वहाँ से जो भी आदेश आगे आएंगे पंजीकरण कराने के। और मेरा यही है, जो पंजीकृत नहीं है वो अपने पंजीकरण कराएँ और ये सूचना हम एक महीने के अंदर शासन को भेज देंगे। देखिए सैटरडे में सेकंड संडे छुट्टी रहती है, फिर संडे छुट्टी थी और आज से स्टार्ट करेंगे। तहसीलों को निर्देश दे दिए गए, निर्देश प्राप्त हो गए उनको और प्रारंभ कर देंगे। एक महीने के पहले वो पूरा हो जाएगा। जो हमारे ये SDM के ऊपर है, SDM को निर्देश दिए गए, वो अपना क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम पंचायत अधिकारी को लगा सकते हैं, संबंधित पुलिस का सहयोग ले सकते हैं, जो भी है वो स्थानीय स्तर पर अपना ड्यूटी लगाएंगे। पुलिस की हर थाना स्तर पर, हर सर्किल स्तर पर, शहरी और ग्रामीण स्तर पर हमने पूरी तैयारियां कर रखी है। हमने सभी संवेदनशील स्थान चिन्हित कर रखे हैं, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी चुनौती उत्पन्न होती है तो पुलिस तत्परता से प्रभावी कार्रवाई करेगी। हाँ, पुलिस ने हर थाने स्तर पर QRT टीम से हमने बना रखी है। उसके अलावा पुलिस लाइन से हमने कई QRT टीम बनाई है जो क्षेत्र में गश्त कर रही हैं। PRV टीम हमारी गश्त कर रही है, बराबर फुट पेट्रोलिंग चल रही है, और जो भी इस तरह के व्यक्ति हैं जो लगता है कि ये समाज में किसी प्रकार का असंतोष उत्पन्न कर सकते हैं तो उनमें हमारी पैनी नजर है।